आज की सेशंस में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक पोस्ट डाला था 22 जनवरी को, जो कि यहाँ पे मैंने बात किया था बीटीएससी जेई का जो सुनवाई का जो डेट दिया गया था 29 जनवरी को। तो इसमें क्या होगा वो एक्सपेक्टेड आप लोगों का राय मैं जानना चाह रहा था। तो यहाँ पे मात्र 27% लोग वैसे थे जिन्होंने ये पोल किया था कि ओल्ड वैकेंसी को क्लियर किया जाए, या मतलब कोर्ट में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, कि ओल्ड वैकेंसी क्लियर हो। बाकी जो है 73% लोग जो है नई वैकेंसीज को लेकर जो है वोटिंग दिए थे, जिसमें टोटल जो है 129 लोग वोट किए थे टेलीग्राम पे। उसके बाद जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी मैंने पोस्ट किया था इसको लेकर कि क्या राय है आप लोगों का, क्या होना चाहिए। तो कम्युनिटी पोस्ट में पोल जो किए हैं 686 लोग पोल किए हैं, और 686 में से 85% जो है नई बहाली को लेकर पोल किए हैं, और बाकी 15% जो है ओल्ड बहाली को क्लियर होगा ये बात किए हैं। तो देखो यहाँ पे जो बहाली है ये तो नया ही आएगा, पुराना वाला अब नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ऑलरेडी जो है इस पे फैसला सुना दिया है। तो जब हाई कोर्ट ऑलरेडी फैसला सुना दिया है तो ओल्ड नहीं आएगा, अब न्यू ही आएगा, जो थोड़ा टाइम लगे या जो भी हो, बट आएगा तो न्यू ही। अब इसको लेकर एक और यहाँ पे अपडेट आया है। अपडेट ये आया है कि जो सुनवाई पहले 29 जनवरी को होने वाली थी, अब ये सुनवाई जो है 5 फरवरी को होगा। अब क्या रीज़न था चेंज करने का ये मुझे नहीं पता, बट अब 5 फरवरी को सुनवाई होगी। तो अब देखना ही है कि 5 फरवरी को क्या अपडेट आज निकल कर आती है। और 90% संभावना है, क्योंकि कई सारे लोग चाह रहे हैं कि नई बहाली ही आए, एग्ज़ाम बेसिस पे उसका सिलेक्शन हो। तो डेफिनेटली 90% संभावना है कि नई बहाली ही जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।